हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक चली बरसात के बाद अब पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। इस बारिश ने कुछ समय के लिए ट्रैवल पर असर डाला था, पर अब पर्यटकों की भीड़ धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ रही है। खास तौर पर शिमला, मनाली और बाकी हिल स्टेशनों में पर्यटकों की रौनक लौट रही है। हालांकि फिलहाल पर्यटक अधिकतर वीकेंड पर ही इन टूरिस्ट प्लेस की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि हफ्ते के बाकी दिनों में घूमने वालों की संख्या बेहद कम है। थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है जी, बाकी जैसे सैटरडे संडे को, सैटरडे को थोड़ा रश बढ़ता है, संडे को थोड़ा सा और रहता है, फिर मंडे से थोड़ा कम होता है। आज अगर हम पहले से कंपेयर करें तो अब पहले से बेटर हो रहा है। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। कई परिवार इस दौरान यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, जिससे शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ने लगी है। होटल व्यवसायी प्रिंस कुकरेजा ने लोकल 18 के साथ बातचीत में बताया कि शिमला में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार के दिन पर्यटकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होती है, जबकि सोमवार तक ये संख्या घटने लगती है। कुकरेजा ने ये भी कहा कि पिछले 4 से 5 साल में मानसून के दौरान पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। भूस्खलन की लगातार घटनाओं की वजह से पर्यटक पहाड़ों में घूमने नहीं आते। पहले बड़ी संख्या में लोग मानसून में भी शिमला आते थे, लेकिन अब सेफ्टी की वजह से टूरिज्म कम हो गया है। पिछले सालों में जब अगर हम आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो मानसून सीजन में तो बहुत लोग आते थे फॉग देखने, ग्रीनरी देखने। अब वो लास्ट ईयर थोड़ा सा न्यूज में या थोड़ा सा रोड्स का हुआ था, तो उस कारण थोड़ा मानसून में कम था, पर नहीं अब लोग आ रहे हैं। हाल ही में शिमला में एक मस्जिद विवाद भी चर्चा का विषय बना था, लेकिन प्रिंस कुकरेजा का मानना है कि इस विवाद का पर्यटन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि ये विवाद ज्यादा समय तक नहीं चला और अब सुलझ चुका है। पर्यटकों ने इस विषय पर थोड़ी बहुत पूछताछ जरूर की, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं आई। मुझे लगा नहीं कि उसका कोई खास ज्यादा असर था यहाँ पे, क्योंकि वो एक दिन में मेरे ख्याल सॉर्ट आउट हो गया था, ऐसा कुछ है नहीं। और इतना कुछ था भी नहीं, वो शुरू शुरू में एक दो दिन पूछा लोगों ने, उसके बाद तो किसी ने नहीं पूछा उसके बारे में। सेटल हो गया। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, ठंडा क्लाइमेट और सुंदर पहाड़ों की वजह से ये हमेशा से पर्यटकों की पसंद रहा है। जब से बरसात का मौसम खत्म हुआ है, तब से स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि होटल व्यवसाय भी धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। स्थानीय व्यवसायियों को उम्मीद है कि नवरात्रि के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि होगी। इससे न केवल टूरिस्ट सेक्टर में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पर्यटक जब अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य में ट्रैवल का प्लान बनाते हैं, तो इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा मिलता है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में हाल के दिनों में पर्यटन उद्योग फिर से पटरी पर लौट रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और नवरात्रि के अनुमान के साथ स्थानीय व्यवसायों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अगर ये ट्रेंड बना रहा तो आने वाले महीनों में हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से पटरी पर लौट सकता है। ये स्थिति न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय व्यवसायियों के लिए भी एक अच्छी खबर है।